हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी रस्तोगीज किचन। और मैं शालिनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की चाय। ये सर्दी को दूर भगाती है। अगर आप इसको 2 से 3 दिन गर्म गर्म सिप करके पियेंगे तो आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए गैस ऑन करके रखेंगे पैन, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून खसखस और 1 चम्मच बेसन। दोनों चीज़ों को स्लो फ्लेम पर हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है और इसका कलर चेंज नहीं होता है। वैसे तो इसको हम सॉस पैन में बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैंने इसको फ्राइंग पैन में बनाया है। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है ये, 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो इन सबको अच्छे से हमें भून लेना है, और भूनते वक्त ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून सौंठ यानी जिंजर पाउडर। इसको भी भून लेंगे। अगर 2 से 3 दिन आपने इसको पी लिया तो आपकी सर्दी एकदम छूमंतर हो जाएगी, यानी बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मैं इसको बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए ये बहुत जल्दी भुन चुका है, क्वांटिटी इसकी बहुत कम है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास गुनगुना दूध। और अच्छे से इसको हम बॉईल करेंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए हम इसको बॉईल होने देंगे ताकि दोनों चीज़ें ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को तेज कर देते हैं। बॉईल होने लगा है, इसको हम धीरे धीरे चला लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। फ्लेम को फिर से स्लो कर देते हैं। आप देखोगे कि ये अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गुड़। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसको गुड़ के साथ हम पकाएंगे। बढ़िया तरीके से इसमें उबाल आने लगा है, और 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको गरम गरम ही हम सर्व करेंगे। किसी भी कप में या गिलास में हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारी बेसन की चाय तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से पिस्ते, और गरम गरम इसको हम सर्व करेंगे, और गरम गरम इसको पीने के लिए देंगे। जितना आप इसको गरम गरम सिप करके पियेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।